समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी दी। मुलायम की पार्थिव देह सैफई ले जाई जाएगी। मंगलवार दोपहर 3 उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उन्हें यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ अपनी कई तस्वीरें पोस्ट की। लिखा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरी कई बार मुलायम सिंह यादव जी से बातचीत हुई। हमारा करीबी जुड़ाव चलता रहा और मैं हमेशा ही उनके विचार जानने के लिए तत्पर रहता था। मुलायम जी के निधन से मुझे दुख है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। गुजरात की जनसभा में भी पीएम मोदी ने सबसे पहले मुलायम को याद किया। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे, जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को, जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति की। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 2 और प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 लोकसभा सांसद और 9 विधायक चुने गए। मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की थी। इस ऐलान के 1 बाद यानी 4 और 5 नवंबर को बेगम हजरत महल पार्क में उन्होंने पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। इसके बाद नेताजी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थायी मुकाम बना लिया। राजनीति में एंट्री करने से पहले मुलायम कुश्ती लड़ते थे। एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने चले जाते थे। 22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिन तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम की पहली पत्नी के ही बेटे हैं। आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का एकाएक निधन का समाचार सुनकर मैं स्वयं बड़ा स्तब्ध रह गया। मुलायम सिंह जी राजनीति के एक जबरदस्त पुरोधा थे।
और राजनीति में संघर्ष के माध्यम से और अपने सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत रखते हुए जो बड़े हैं, मुलायम सिंह का उसमें नंबर एक पर स्थान रहेगा। मुलायम सिंह जी राजनीतिक दृष्टि से बड़े परिपक्व और जो भी निर्णय लेते थे उसे पूरा करने का प्रयास भी करते थे, और जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाता था तब तक लगातार संघर्ष करते रहते थे। मुलायम सिंह जी राजनीतिक क्षेत्र में संबंधों पर बहुत ध्यान रखते थे। हर दल के व्यक्ति मुलायम सिंह से संबंधित है। जिससे भी मुलायम सिंह जी का संबंध होता था उसके लिए आउट ऑफ वे जाकर काम करने में संकोच नहीं करते थे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।